धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा कहे अपशब्द की माफी मांगे धानुक समाज रहली सागर। राजस्थान में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा धानुक समाज को अपशब्द कहे जाने पर रहली विधानसभा के धानुक समाज द्वारा अनुभागीय अधिकारी व तहसीलदार राजेश पांडे के द्वारा प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में समाज के लोगों ने कहा कि कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री ने ब्राह्मण लड़के से कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, छोड़ेंगे नहीं, अभी हम आपको और छीलेंगे, अब हम आपको छीलेंगे क्योंकि आप जो तुच्छ गुंडा बन गए हैं, आप देखने चले आए थे कि बाबा का पर्दाफाश करेंगे मानेंगे, आओ चले आए थे कि इन पर बालाजी की कृपा है कि नहीं। इस बात से ब्राह्मण लड़के ने बोला कि हम भी ब्राह्मण हैं, तो उस पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि क्या हम बसोर हैं। इस बात को लेकर धानुक समाज ने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर एक विशेष जाति बसोर जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है, जातिगत टिप्पणी करना अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम एवं मानव अधिकार के उल्लंघन में आती है। इस प्रकार से शास्त्री जी पर FIR होनी चाहिए। अगर वह चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई FIR ना हो तो वह हम सभी समाज के लोग आगे आए और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को सार्वजनिक माफी मांगनी होगी। ज्ञापन देने वालों में अरविंद, कमलेश, उत्तम, लोकाजी, रवि, राजेश, सौरभ, भूरे, रतिराम, महेंद्र, भगवान दास, राधे, मसाप, फूल सिंह, वीरेंद्र, समस्त धानुक समाज के लोग शामिल रहे। वंदे भारत से प्रीतम बंसल की रिपोर्ट। आज किस मामले को लेकर आप लोगों ने, सभी लोगों ने ज्ञापन दिया? आज हमारा संपूर्ण रहली विधानसभा क्षेत्र का समाज बंधु बसोर समाज आज रहली SDM कार्यालय में पहुँचे हैं। यह जो काफिला हमारा आया है पंडित श्री धीरेंद्र शास्त्री द्वारा राजस्थान में कहे गए हमारे बसोर समाज के अपशब्द जो उनके मुख से निकाले गए हैं, उनकी जो ये शब्द है यदि वो वापस नहीं लेते हैं तो हमारा पूरा संपूर्ण समाज उनके खिलाफ विद्रोह कर देगा, क्योंकि हम भी एक हिंदू हैं। यदि हम लोगों को हिंदू आप समझते हैं तो इस प्रकार के अभद्र और सामूहिक मंच पर जो हम लोगों के लिए अभद्र व्यवहार किया गया है, जाति संबंधित शब्द से सूचित किया गया है, ये उनका गलत विचार है। यदि वह हमारे माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हमारा पूरा संपूर्ण समाज, मध्य प्रदेश का पूरा समाज उनके खिलाफ विद्रोह कर देगा। आज हम रहली विधानसभा क्षेत्र के सभी समाज बंधु माननीय SDM महोदय को उनके खिलाफ एक ज्ञापन देने प्रस्तुत हुए हैं और हम सब समाज बंधु यदि यहाँ से हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग कलेक्टर तक ज्ञापन देंगे। इसी तरह हमारा ये कार्य चलता रहेगा। भारत माता की जय।